एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप में आती तो सबकी फेवरेट बनकर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाते जाते सभी का दिल तोड़कर चली जाती है। बात कर रहा हूं मैं साउथ अफ्रीका टीम की, और एक बार फिर से सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने चोक कर दिया और वो मुकाबला हार गए। बार बार जब मैटर बड़े होते हैं तो वहां पर अफ्रीका की टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ा सी जाती है, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो या फिर सेमीफाइनल, अफ्रीका वहां से हार जाती है। इस वर्ल्ड कप में शायद इस बार लगा था कि अफ्रीका उस दहलीज को पार करेगी, फाइनल में जगह बना पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सेमीफाइनल में आकर उनका सपना जो था वो खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने उनको तरीके से रोमांचक मुकाबले में मात दिया और वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जगह बनाया और अफ्रीका की घर के लिए विदाई हो गई। लेकिन इस हार में अफ्रीका के लिए कुछ अच्छी चीजें निकली, लेकिन फिर से उनके लिए यादें ताजा हो गई एक हार के लंबे सिलसिले की जो लगातार दर साल चलता हुआ आ रहा है। अफ्रीका जो लीग में अच्छा प्रदर्शन करती है, लीग में ऐसा लगता है कि शायद इनसे बेहतर कोई टीम नहीं है। इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप के लगभग सारे रिकॉर्ड इनके नाम थे। सबसे ज्यादा 300 रन बनाने का रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का, 428 रन इन्होंने बना डाले थे। और इसके अलावा हर मुकाबले में बल्लेबाजी ऐसी कि मानो कि सारी जो बॉलिंग टीम के लिए एक तरीके से एक बुरा सपना हो। आते थे तो लगता था सिर्फ मार पिटाई के लिए ही आए हैं, लेकिन मतलब सबसे बड़ा मंच था सेमीफाइनल का, वहां पर सारे बल्लेबाज फेल हो गए। चले तो सिर्फ मिलर, बाकी कोई बल्लेबाज वहां चल नहीं सका। तो ये रही उनके हार की, अगर आप देखें एक तरीके से उनके हार की वजह भी बने। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो उनके लिहाज से कुछ जो अच्छी चीजें थी, क्विंटन डिकॉक का प्रदर्शन था, जिस तरीके से उनका आखिरी वर्ल्ड कप, और इस आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरीके से खेला है, लोग तो यही कह रहे हैं कि अभी न जाओ छोड़कर, दिल ये अभी भरा नहीं है। बिल्कुल उन्होंने अगर बात कर ली जाए क्विंटन डिकॉक के रनों की बात कर ली जाए तो इस वर्ल्ड कप के 10 मुकाबलों में उन्होंने 594 रन बनाए, साथ ही 4 शतक भी लगाया। और अपने आप में अगर आप देखिए तो ये रिकॉर्ड भी है एज ए विकेट कीपर, 500 से ज्यादा रन बनाना, फिर जिस तरीके से 4 शतक लगाना और अच्छी विकेट कीपिंग करना, ये भी अपने आप में कीर्तिमान है। और उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को उसके साथ ही अलविदा भी कह दिया है। उनके लिए भी ये वर्ल्ड कप खास रहेगा, शायद एक शतक और लगाते तो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की वो बराबरी कर लेते। इसके अलावा एक और इनका हीरो जो सबके सामने आया वो थे यहाँ पर जेराल्ड कोर्ट्जे, जिन्होंने उनका डेब्यू वर्ल्ड कप था और शानदार तरीके से गेंदबाजी करी। 8 मुकाबलों में उन्होंने 20 विकेट झटके और शानदार तरीके से गेंदबाजी करी, और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को एक सितारा मिल गया जो लगातार 150 की स्पीड से जी जान लगाकर गेंदबाजी करता है। इसके अलावा क्लासन ने भी शानदार पारियां जरूर खेली, यानी कि पूरे इस वर्ल्ड कप को इन्होंने एंटरटेन जरूर किया, लेकिन जब बारी थी एक पायदान से ऊपर जाने की, वहां पर ये फेल हो गए। और कहीं ना कहीं साकलों को देखिए जो बार बार अफ्रीका का दिल तोड़ देता है, जब ये करीब पहुंचते हैं वहां पर कैसे बाहर हो जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि ये शुरुआत कब से हुई और ये अभी तक कहानी चलती जा रही है। अफ्रीका के लिए कहानी शुरू होती है 1992 में, जहां पर ये सेमीफाइनल में हार जाते हैं, और फिर अगर आप देखें उसके बाद 1999 में सेमीफाइनल टाई हो जाता है। और इनके लिहाज से सबसे बड़ा झटका तो यही था जहां पर एक जीता मुकाबला हार जाते हैं, शायद अभी भी इस मुकाबले को ये भूल नहीं पा रहे होंगे। इसके अलावा फिर 2007 का सेमीफाइनल वहां पर भी हार जाते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं फिर 2015 का सेमीफाइनल यहां पर हार जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें सबका दिल तोड़ देता है इस मुकाबले में, तो शायद हर क्रिकेट फैंस रो पड़ा था इस मुकाबले को देखने के बाद। और यहां पर अगर आप देखें तो 2023 का सेमीफाइनल यहां पर भी एक बार फिर से इनको हार का सामना करना पड़ा है। देखते हैं कि अफ्रीका की इस हार के सिलसिलों को आखिरकार कौन से वो खिलाड़ी आएंगे अफ्रीकी टीम में जो कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से जीत का तोहफा दे जाएंगे, क्योंकि हारने के बाद अफ्रीकन खिलाड़ियों के चेहरों को अगर आप देखेंगे तो वाकई में आप खुद मायूस होंगे, क्योंकि होते तो सभी के फेवरेट ही खिलाड़ी हैं, लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके की हालत में देखते हैं सभी खिलाड़ी वहां पर लगभग इमोशनल नजर आए, और कहीं ना कहीं ये पूरे क्रिकेट जगत को भी अगर आप देखें इमोशनल करके। उम्मीद करेंगे अफ्रीका एक बार फिर से अगले वर्ल्ड कप में जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन करेगी और लोगों को एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको अफ्रीका क्रिकेट की टीम ये कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।